This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Sayyid Ali Chabutra near Shah Ghaz Hotel. Welcome to 18 Telangana News. Police raid at Jai Shri Ram agencies and seize expired product which is distributing to shoppers by changing the expiry date with the new date. In this case, accused Lakshmi Narayan arrested. Joint Commissioner of Police DVP West Zone AR Srinivas briefed the media. Reported by Imran Khan and cameraman Mohammed Shaukat. इस तरह के कई आइटम थे, 17 आइटम, ये सब 17 आइटम एक्सपायरी डेट होने के बाद, ये जो लक्ष्मी नारायण का नाम का आदमी है जो 10 साल से ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा, सब डिस्ट्रीब्यूटर है ये प्रोडक्ट्स के, हल्दीराम के प्रोडक्ट्स के, ये आदमी मतलब अभी तो वेरीफाई करना है, कई दुकानों से इकट्ठा करके ये एक्सपायर्ड माल पूरा उस पर जो डेट है उसको, ये ऐसा जो कंपनी का एक्सपायरी डेट है, ये एक्सपायरी डेट अरेज करके ये एकदम ऐसा क्लीन करके उसको और केमिकल से मैक्सी क्लीन थिनर एक केमिकल से क्लीन करके उसमें उसके ऊपर फिर एक नया डेट मतलब 18/2018, 19 और 20 ये जितने भी प्रोडक्ट एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे इकट्ठा करके उसमें जो कंपनी का उस पर स्टैम्प है एक्सपायरी डेट से वो सब एरेस करने के बाद निकालने के बाद एक केमिकल से नया डेट मतलब जुलाई 21 के डेट उस पर प्रिंट करके एक्सपायरी डेट प्रिंट करके ये फिर मार्केट में ये सप्लाई करने की ये प्रोसेस में हम इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस रेड करके ये पूरा मटेरियल सीज करे और एक्यूज लक्ष्मी नारायण को अरेस्ट करे। इसमें ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सोन पापड़ी ये सब खोल के देखने के बाद इसमें पूरा फंगस इस तरह के पूरे ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड आइटम्स है ये मतलब बच्चे और कोई बड़े लोग इसमें अगर से खाने के बाद हो तो ज़रूर बीमारी होगा उनको कहीं नहीं बोल सकते क्योंकि ये इन्फेक्शन अगर से ज़्यादा हुआ तो खतरनाक भी हो सकता आदमी मर भी सकता तो इस तरह के मतलब जो भी आदमी करता ये हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और ये लक्ष्मी नारायण को आज अरेस्ट करके रिमांड को भी जा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण सब डीलर है हाँ मालूम है अकेला अभी इन्फॉर्मेशन अभी निकालेंगे तो नहीं मालूम कितने लोग और कर रहे हैं इस तरह के ये 10 साल से तो सब डीलर है ये अभी तो मिला तो अभी ना ये तो बोल रहा है कि अभी कर रहा हूँ लेकिन पहले भी कर चुका होगा जरूर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया होगा मार्केट में अभी वेरीफाई कर रहे हैं इसमें क्या है जो दुकानदार है दुकान का मालिक है वो कई एक्सपायर होने के बाद भी इस तरह का प्रोडक्ट है इस तरह के लोगों को बेच रहे लग रहा हो तो इस तरह के लोग पूरा इकट्ठा करके फिर ये बदमाशी कर रहे हैं लोग ये क्राइम है बड़ा सा क्राइम है ये क्योंकि हेल्थ इसमें पूरा लोगों का इफेक्ट होता तो इसमें दुकानदारों का भी हमारा यही राय है कि अगर से प्रोडक्ट एक्सपायर होने के बाद ये किसी के हाथ नहीं देना वो खुद डिस्ट्रॉय करना एक्सपायर होने के बाद या नहीं तो कंपनी हल्दीराम है कंपनी को वापस करना वो लोग पूरा इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय करते लेकिन इस तरह मार्केट में बेच के फिर इस पर पैसा बगैर से बनाने की कोई कोशिश कर रहा तो गैर कानूनी है उनको सच से सच सजा मिलेगा जरूर अरेस्ट करके रिमांड करेंगे इन्फॉर्मेशन तो हमारे को आया इन्फॉर्मेशन तो हम लंगर हाउस पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन देके वहाँ से उनसे करवाए अभी
ప్రొడక్ట్ ఇల్లీగల్ ప్రొడక్ట్